हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। जैसा आप जान रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे यहाँ, और दो टेस्ट आपके हो चुके हैं। तीसरा टेस्ट जो है आपका वो भी एक्टिव है, और आज से जो है चौथा टेस्ट भी आपका एक्टिवेट कर दिया गया है। तो तीसरे टेस्ट का जो है सॉल्यूशन आपका जो रीजनिंग सेक्शन का है, जो क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 90 तक है, उसका मैं लेके आया हूँ आपके सामने। उसमें मैं कुछ जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो टेस्ट 3 के, जैसे डाटा सफिशिएंसी हुआ, कुछ कोडिंग डिकोडिंग हुए जो एकदम टफ आपको लग रहे होंगे, चाहे ऐसा हो कि क्लिक नहीं किया हो आपके दिमाग में कि कैसे इसे करें, तो उस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। बाकी आपके जो क्वेश्चन जो सिंपल है उनके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही डाटा सफिशियंसी से है। बच्चे बोल रहे हैं कमेंट से कि सर जो डाटा सफिशियंसी वो कैसे होगा, तो आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और डाटा सफिशियंसी के जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जितने भी आपके 10 टेस्ट होने वाले हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है 60 नंबर और डाटा सफिशियंसी से, और कोडिंग डिकोडिंग से है। आप रीजनिंग में जितनी टॉपिक पढ़ोगे, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो चाहे डिस्टेंस डायरेक्शन हो, उसी का एप्लीकेशन यूज करके आपका डाटा सफिशियंसी में क्वेश्चन बनाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे स्काई है, ये पूछ रहा है इसका कोड लैंग्वेज क्या होगा। आपके पास दो स्टेटमेंट दिया, पहला कथन दिया है कि इसमें कुछ वर्ड दिया है कि स्काई इज क्लियर, इसको कोडिंग की गई है डी रा फा से, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका उसका है मेक इट क्लियर, ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है डी गा जा, ठीक है। अब इस दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि इस स्काई का कोड किससे निकल सकता है, बस ये आपको समझना है डाटा सफिशियंसी में। पहला स्टेटमेंट है स्काई इज क्लियर, स्काई हमें चाहिए पहले स्टेटमेंट में मिल रहा है, मगर इसके साथ स्काई इज क्लियर तीन लोग हैं। अब इसमें हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा इन तीनों में से किसका कोड कौन सा है, इसलिए अगर हम सेकंड का हेल्प लें तो इसमें से सिर्फ कॉमन क्या हमें मिलेगा, क्लियर मिलेगा। तो क्लियर का कोड हम बता सकते हैं कि क्या होगा, जैसे कॉमन इसमें क्लियर मिला तो इस कोड में भी कॉमन कोई चीज मिलेगा, तो कॉमन इसमें कौन सा कोड मिलेगा आपका, डी का, ये देखिए डी, ये दोनों क्लियर के क्या हो जाएंगे, कोड हो जाएंगे। बाकी और कोई चीज सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए एग्जैक्ट हम पता नहीं कर पाएंगे कि स्काई का कोड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें बटी रा या फा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों स्टेटमेंट जो है मिलके भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो और सिंगल सिंगल भी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कोई भी इन दोनों में से जो है पर्याप्त नहीं है हमारा क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 62 कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। 62 में सिंपल सा एक कोड है, बस आपके दिमाग पे क्लिक करने का है कि अगर क्लिक कर गया तो आप आसानी से इसे कर ले जाओगे, अदरवाइज इसमें टाइम वेस्ट कर दोगे। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे जिस कॉन्सेप्ट पे, तो आपको वहां पे एग्जाम जब आप देने बैठोगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, इस टाइप से भी एक बार सोच लेते हैं, तो जैसे सोचोगे तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। अगला डी ए एस टी आर ई, अब आपसे पूछ बताना है कि कैसे, मैंने कोडिंग डिकोडिंग के लिए बताया है कि क्या करो, पहले लिख लो उसकी नंबरिंग कर लो एम ए टी ई एन एल, और नीचे इसकी लिख लो यू बी एन एम ओ एफ। अब यहां से आप देखो कि ये 13, 1, 20, 5, 14, 12, 21, 2, 14, 13, 15, 6, अब आसपास का ढूंढो, ये 21 है तो 20 के आसपास का होगा कहीं ना कहीं, तो 20 यहाँ टी है, देखो यहां से मिल गया, एक बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 13 से 14 एक बढ़ रहा है, ए से भी एक बढ़ रहा है, क्रॉस होके तीनों इसका दो पार्ट कर दिया गया, इन तीनों में ऐसे क्रॉस बना दिया गया, ऐसे इन तीनों में क्रॉस बना दिया जाएगा, ई से एक प्लस एफ, एल से एक प्लस एम, और एन से एक प्लस ओ। तो बस आपको मिल गया पैटर्न क्या चल रहा है, बना दो डी ए एस टी आर ई, तो इसमें बना दोगे तो क्या होगा, इसके नंबरिंग कर दो 4, 1, 19, 20, 18, 5, 3-3 पार्ट ले लो, ये तीनों ले लो, एस से क्या आ जाएगा टी, ए का बी, डी का ई, और यहां से ई से एफ, आर का एस, टी का यू, तो टी बी एफ एस यू, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग से, आसान सा है ये भी, डी एच एल एम एन
MNOSW में कोड किया गया है। अगला कोड पूछ रहा है आपसे कि डैम का कोड क्या होगा, तो आप फिर से वही देखिए क्या कैसे कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग करिए DHLMLMN और है MNOSW। अब इसके D4, 8, 12, 13, 14, M13, 14, 15, 19 and 23। अब आसपास देखो कैसे ये बदला है, ये N से M आ रहा है, फिर M से N आ रहा है, मतलब तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग पे कि N से M, फिर M से N, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, फिर L से O, ये कैसा बढ़ा, कोई एक कांस्टेंट तो बढ़ा नहीं, तो तुरंत ये होना चाहिए कि इसके अपोजिट पेयर एक बार देख लें। तो अपोजिट पेयर M से M, मतलब अपोजिट पेयर जो होता है अल्फाबेट्स में उनका जो सम होता है वह 27 देता है टोटल। जैसे A जो होता है 1 पे होता है, तो जेड कितने होता है 26 पे होता है, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 27। ऐसे ही एन का अपोजिट पेयर क्या होगा, एम, क्योंकि ये 14 पे होता है और ये 13 पे, दोनों का सम करोगे तो 27, तो ये 27 मिल गया यहाँ से दोनों का सम, एम और एन, ये 13 पे 14 पे अपोजिट पेयर है, एल और ओ ये भी अपोजिट पेयर है, एच और एस 19 और 8, 27 ये भी हो जाएगा, और 23, 4, 27 ये भी हो जाएगा, मतलब अपोजिट पेयर चल रहा है। क्या चल रहा है इसमें, अपोजिट पेयर चल रहा है, तो बस आपको डैम का निकालना है, आप अपोजिट लिख लो। ई का अपोजिट क्या होगा, ई 5 पे आता है, ठीक है, तो 5 और यहाँ हो जाएगा वी, वी 22 पे होता है, 22 और 5, 27। एम का होगा, एम जानते ही हो 13 का 14 हो जाएगा अपोजिट, ए का जेड हो जाएगा, और डी का 4 पे होता है तो डब्ल्यू हो जाएगा, तो वी एन जेड डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से है, आसान सा क्वेश्चन है, सीरीज में 64, 12, 18, 27, 14.5, 16, 2.75 and 91.125। आपको इसमें बताना है कौन सी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, कौन सा इसमें गलत है। तो सिंपल सी है ये सीरीज, ये जैसे 12 से 18 हो रहा है, 18 से 27 हो रहा है, तो जो इसमें बढ़ रहा है वो उसी डिजिट का हाफ उसमें जुड़ रहा है। जैसे 12 का हाफ कितना होगा, करोगे तो 6, तो 12 प्लस 6 18, 18 का हाफ करोगे तो 9, तो 9, 8, 27 ऐसे बढ़ते हो जाएगा, तो यहाँ पे 62.75 है ये नहीं होगा आपका, ये गलत है, ठीक है, इस सीरीज को फॉलो नहीं करेगा, चेक कर लेना, बाकी आपका इसी तरह फॉलो करता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65, ये भी आसान सा सीरीज है, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, आप ऐसे ही से कर सकते हो, 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, तो 25 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 66, ये अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि ए और बी का इसमें कोड क्या होगा, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 66, 9 स्क्वायर A, 4 स्क्वायर B, मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ कि इसमें कैसे पैटर्न चल रहा है, 56, 7 स्क्वायर A, 2 स्क्वायर प्लस B, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 44, और आपसे पूछा 11 स्क्वायर A, 5 स्क्वायर B, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपको पैटर्न पता करना है आखिर इसमें कौन सा ऑपरेटर लग रहा है। तो पहले को देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81, A यहाँ माइनस होगा, A का मतलब तभी आपका वो इक्वेशन आएगा जब आप करोगे तो, 4 का स्क्वायर 16 एंड B का प्लस कर दो और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 25, 81 माइनस 25 करोगे तो 56 आ जाएगा, तो मतलब यही पैटर्न चल रहा है, ए का सिंबल जो हो जाएगा माइनस को रिप्रेजेंट करेगा और बी का जो सिंबल होगा वो प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे जब पुट कर दोगे वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा, उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका 47, जो ऑप्शन कौन सा है आपका, सी होगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 67, कोडेड ब्लड रिएक्शन से क्वेश्चन है, स्टेप पैटर्न पे आता ही है क्वेश्चन आपका एग्जाम में। 67 में आपके क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, S माइनस T का मतलब होता है S T की पत्नी है, S प्लस T का मतलब होता है कि S T की पुत्री है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से जो इक्वेशन दिया है उससे पूछ रहा है कि कौन सा फॉलो करेगा, M प्लस J माइनस सॉरी डिवाइडेड बाई K, अब पूछ रहा है कि इसमें आपसे 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है KM के पिता है, मतलब कौन सा इसका सही अर्थ दिखाएगा इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। M प्लस J, प्लस का मतलब क्या है आपके सामने, कि प्लस का मतलब है कि ST, S प्लस T
एस टी की पुत्री है, तो इसी तरह एम जो होगी वो किसकी पुत्री होगी, जे की पुत्री होगी, ठीक है। और अगला है जे डिवाइडेड बाई के, तो जे डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड का मतलब होता है कि एस टी का पुत्र है, तो उसी तरह जे जो होगा किसका पुत्र होगा, वो के का पुत्र होगा, तो इसका मतलब के और एम में क्या रिलेशन बैठ रहा है आपका, के और एम में जो रिलेशन बैठ रहा है, ग्रैंड डॉट एम जो है के की ग्रैंड डॉटर है, तो ऑप्शन आपका बी जो दिया हुआ वो सही होगा कि एम ग्रैंड डॉटर है के की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 68, ये एनालॉजी से क्वेश्चन है, बोला शब्दकोश में जैसे परिभाषा होता है, तो मानचित्र मतलब आपको अगर मानचित्र किसमें होगा तो एटलस में होगा, उसी में आपको जो होता है देश के नक्शे मिलते हैं एटलस में, तो उसी से रिलेटेड होगा। अगला आते हैं 69 पे, ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष है, सिंपल सा है, इसमें बोला जा रहा है जो कथन दिया गया है कि इसमें जो बोला जा रहा है कि जो खुशी होती है किसी इंसान को वो बाहरी स्रोतों से नहीं मिलती है जब तक उसके अंदर से खुशी ना हो, ठीक। तो उसी तरफ से एक इसमें दो निष्कर्ष दिए गए हैं कि जैसे सिनेमा से मिलने वाली खुशी जो होती है वो क्या होती है, क्षणिक होती है, थोड़े देर के लिए होती है, तो वो आपका जो होगा निष्कर्ष जो होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, मतलब उसका जो मुख है वो किधर है, साउथ की तरफ है, और वो मैं दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, ठीक है, वो दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, क्लॉकवाइज घूमते हैं दाहिने, जब बोले 20 मीटर चलने के बाद फिर पुनः दाएं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, तो फिर 10 मीटर चला, फिर उसके बाद से बोला जा रहा है उसे बाई ओर मुड़ा 10 मीटर चला, फिर बाई ओर मुड़ा 10 मीटर चला, उसके बाद फिर दाई ओर मुड़ा 20 मीटर चला, और उसके बाद से फिर वो दाई ओर मुड़ा 60 मीटर चला, तो अब 60 चलना है इसको, तो ये 10 ये 20 10 30 टोटल हो जाएगा, और 30 और चलेगा तो टोटल ये 60 मीटर हो जाएगा। अब इससे पूछ रहा है कि यहां से जो इसका इनिशियल पॉइंट था, यहां से इसने शुरू करना किया था, तो यहां से ये डायरेक्शन ये किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की तरफ है, तो यहाँ से देख लो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो डी है ऑप्शन में। 71 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 फिगर का है, आसान सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर लेंगे क्योंकि उसमें तो जो जितने भी सिंबल दिए हैं उनका पोजिशन सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको, 375 पहला ऑप्शन है, 286 दूसरा है, 795 तीसरा है, और 382 लास्ट है, डी ऑप्शन है। तो आपको इसमें पता करना, तो सबका सम जो है, इसका तो भी सम आ रहा है 15, इसका आ रहा है 16, और इसका आ रहा है 21, और इसका आ रहा है 13, तो इसका जो सम आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। बोलोगे कि इसमें इवन, इसका बाकी सबका ऑड आ रहा है, इसका इवन आ रहा है सम, तो ये भी तो होगा नहीं, इसका जो होता है आपको प्रायोरिटी दिया जाता है कि किसे हम पहले देंगे, पहले हम प्राइम, फिर इवन, फिर ऑड, फिर स्क्वायर, फिर ऐसे चलते जाते हैं, तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 382। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है 73, इसमें पूछ रहा है कि गाजर भोजन और सब्जियों से रिलेटेड कौन सा डायग्राम बनेगा, तो आपका जो ऑप्शन ए में है ये तीनों कौन सर्किल एक बनेंगे, इसमें जो बोला जैसे गाजर भोजन और सब्जी, तो सबसे बड़ा भोजन हो जाएगा, सब्जी के अंदर गाजर आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे 75 डाइस का सेम क्वेश्चन, आपके जो पहले पेपर में आया जो दूसरे में आया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, और जो आपके क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था उसी कॉन्सेप्ट पे, आप जैसे 315 315 इधर है 2 4 6 और बोला जा रहा है एक के अपोजिट में 2 है, तो एक के अपोजिट में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक का जो ये वाला फेस है इसके जस्ट इधर इस साइड में 2 है, और इसमें 246 यहाँ दिया हुआ, तो बस जहां से 2 है तो यहां से चलना शुरू कर देंगे 253 क्लॉकवाइज, और यहां से चलेंगे तो 264। आपसे जो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 3 के ठीक विपरीत क्या होगा, 4 होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 76, ये फिगर से ये भी आसान सा क्वेश्चन है आपका लीजिएगा, जिसका ऑप्शन सी है। 77 पे आते हैं, ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है आसान सा, ये भी हो गया होगा आप लोगों से। 78 कोडिंग डिकोडिंग पे आते हैं, इसमें भी ये आसान सा क्वेश्चन है, बस क्लिक करने के ऊपर आपके दिमाग पे क्लिक किया कि नहीं, वैल्यू कहां से पुट करी है इसकी, 6199999 है, हाँ 9995 4, एंड नेक्स्ट है आपका
CLUTCH plus 321038 और नेक्स्ट पूछ रहा है WHEELS। तो ऐसा नहीं कि आप इसमें कॉमन लगा दो कि इसमें से देखे E कहाँ है तो यहाँ A कहाँ है, S कहाँ मिल रहा है तो S का कोड 99 मिला तो सोचो कि इसे कॉमन करके करना, नहीं। इसमें जो चल रहा है जैसे P 16 पे आता है तो इसका यूनिट प्लेस आपका लिख दिया गया है 16 का 6, यूनिट प्लेस सिर्फ लिखा गया है, टेंस प्लेस नहीं लिखा गया है। A आपका 1 आता है 1 हो गया, S 19 पे आता है तो 9, S 9, फिर I तो 9 पे होता है 9, O जो होता है 15 पे तो इसका यूनिट प्लेस 5 लिख दिया गया है, N का यूनिट प्लेस 4 लिख दिया गया, बस वही यूनिट प्लेस का चल रहा है। तो आप आसानी से इसका निकाल सकते हो, इसका 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 है ये 8, और ये कितना हो जाएगा 23 पे होता है तो 3, 3, 8, 5, 3, 8, 5, 5, 2, 9, ऑप्शन आपका पहला ही है इसमें। नेक्स्ट आता है 79, तो ये भी कोडिंग की कोडिंग है, ये सब सबसे आसान है। इसमें DUSTAR डस्टर को कोड किया जा रहा है RATSUD, और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मारुति का कोड क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आप इसे देखिए RAT मतलब रिवर्स में लिखा गया है, फिर SUD बस ऐसे ही आप लिख लीजिए, ITU और RAM जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन का आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है, संभावना से रिलेटेड पॉसिबिलिटी का कैसे मैं बता दे रहा हूं। इसे बोल रहा है पहला कि कोई तारा ग्रह नहीं है, कोई तारा क्या नहीं है, ग्रह नहीं है। अगला है स्टेटमेंट, सभी ग्रह आकाश हैं, अगला है कुछ आकाश बादल हैं। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, पहला है सभी तारों के आकाश होने की संभावना है, सभी तारों के, ये तारा है ये आकाश है तो सभी जो तारे हैं उसको आकाश होने की संभावना है, हाँ ये संभावना है क्योंकि इससे और तारा, आकाश और तारा के बीच में कोई नो का रिलेशन नहीं है, ग्रह और तारे के बीच में है, इसलिए संभावना है कि ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ बादल तारा होने की संभावना है, कुछ बादल जो तारा होने की संभावना है तो हाँ ये भी है क्योंकि इसका कुछ पार्ट हो सकता है, बादल यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, तो ये भी होने की संभावना है क्योंकि बादल और तारा के बीच में नो का रिलेशन नहीं दिया, इसलिए पॉसिबिलिटी हमेशा जब भी उनके बीच में नो का रिलेशन ना दिया तो पॉसिबिलिटी सही होती है, तो ये दोनों हो सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों जो है अनुसरण करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 82, ये भी आपका सीरीज से है, अल्फाबेटिक सीरीज, चलिए देखते हैं। SUPED इसमें आपको पकड़ना है कि कैसे पढ़ रही है सीरीज, PUQ GE UXR HG, नेक्स्ट है WY SIH, आपसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, नेक्स्ट है YA UL K, ठीक है। अब आप बताइए इसमें कैसे देखे, एस से टी आया, टी से यू आया, यू से बाद सीधे डब्ल्यू आ गया, मतलब यहां से एक बढ़ा और यहाँ पे प्लस दो हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह यू से फिर यहाँ प्लस दो हो गया, यहां से प्लस एक हुआ, एक्स से वाई हुआ प्लस एक हुआ तो यहां से क्या होगा, तो ये कहाँ प्लस दो हो जा रहा है, कहाँ प्लस एक हो जा रहा है, बस ये मुझे क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ऐसा क्यों हो जा रहा है कि यू पे प्लस दो हो गया, आई पे प्लस दो हो गया, तो ऐसा बस ये क्लिक कर गया तो आप समझ जाओगे ये सीरीज कैसे चल रही है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में प्लस वन हो रहा है, जहां वोवेल है वहां प्लस टू हो रहा है, बस आपकी सीरीज तुरंत निकल आएगी। तो अगला क्या है आपका WY SIS से अगला पूछ रहा है, यहां से देख लो ये कॉन्सोनेंट है तो एक प्लस होगा, UVW XY के साथ जेड, एस के बाद टी, आई के बाद आई, आपका वोवेल आ गया, इसमें दो प्लस होगा तो नौ पे आता है, 11 हो जाएगा, मतलब की एच के बाद आई, तो एक्स जेड टी के आई जो ऑप्शन होगा आपका ये अगला सीरीज में होगा, जो ऑप्शन सी है आपका। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सीरीज का आसान सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 25 21 50 42 100 84 200 161, इसमें दो सीरीज चल रही है, ये देखिए मल्टीपल में है, इंटू टू और इंटू टू करोगे तो 400 आ जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर आपका ऑप्शन ए होगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 84 डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है आपका, चलिए इसे बता देते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, दो लोग हैं ए और बी, इनके आयु का अनुपात है 6:4, ठीक है। और इससे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए बी आयु का योग क्या होगा, इन दोनों का जो है आयु का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो आपसे इसमें चार ऑप्शन दिया गया, बोला गया कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका उत्तर देने के लिए, कौन सा जरूरी है। तो पहला ऑप्शन जैसे ही चेक करोगे, बोल रहा है कि बी ए से 6 साल छोटा है, ठीक है। तो पहला जैसे ही चेक करोगे कि बी जो है ए से 6 साल छोटा है, यहाँ पर रेशियो में जैसे कंपेयर करोगे कि 6 और 4 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो का। अब रियल में कितना है वो 6 साल का डिफरेंस है, तो 2 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, तो बी की एज कितना हो जाएगी, 4 गुणे 3 12, और ए की एज कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 3 18, दोनों को प्लस कर दो, 8 2 10 1 2 2 3, तो यहाँ से इनका योग आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर देने के लिए सफिशियंट है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 पे पहुंचते हैं, 85 नंबर। ए बी सी डी ई एफ प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, पूछ रहा है कितने लोग हैं इसमें। ए बी डाटा सफिशियंसी से है प्रश्न दिया है, ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं, और सबका पूछ रहा है लंबाई सबसे छोटी किसकी होगी। और आपके सामने 3 कथन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। पहला कथन बोल रहा है ई डी से लंबा है, लिखते जाते हैं ई जो है डी से लंबा है, बी एफ और ई से लंबा है। नेक्स्ट है बी जो है आपका एफ से भी लंबा है, और बी जो है ई से भी लंबा है, ई और एफ में अभी तक पता नहीं चला। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, ए केवल एक व्यक्ति से छोटा है, एफ बी से लंबा है, ई जो है सिर्फ एक व्यक्ति से छोटा है। आप बना लोगे स्पेस तो सिर्फ एक व्यक्ति से ये छोटा है, या कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। और एक और बोला गया इसमें कि एफ जो है डी से लंबा है, जो एफ है वो किससे लंबा है, डी से लंबा है। और नेक्स्ट है तीसरा जो आपका बोल रहा है स्टेटमेंट, बी सबसे लंबा नहीं है, मतलब इस वाले पोजीशन में जो सेकंड वाला है कि यहाँ पे एक खाली है, यहाँ एक है, तो यहाँ बी नहीं हो सकता, तो यहाँ बी नहीं होगा तो सेकंड पोजीशन तो फिक्स ही है, ए होगा, तो यहाँ बी होगा, क्योंकि बी जो है ई से भी लंबा है और एफ से भी लंबा है और डी से भी लंबा है। एफ से लंबा है तो बी से लंबा होगा ही, क्योंकि ई जो है डी से लंबा। एक तो ये बन जाएगा आपका, टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो यहाँ पे तब या तो सी होगा, कंफर्म है। एक आपका इक्वेशन बनेगा कि सी मतलब ई जो है एफ से लंबा हो और एफ डी से लंबा हो, एक इक्वेशन ये हो सकता है। और अगला हो सकता है सी ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है, बी एफ से बड़ा हो और एफ ई से बड़ा हो, ई डी से बड़ा हो दूसरा। तो दोनों केस में हम जब देखेंगे तो डी ही सबसे छोटा आ रहा है, क्योंकि ई और एफ का एकदम कंफर्म नहीं है, हो सकता है ई और एफ बराबर हो, या हो सकता है ई और एफ में कोई एक बड़ा हो एक कोई छोटा हो। तो ये 3 आपके इक्वेशन हो सकते हैं, ऐसे इक्वल टू एफ पे भी हो सकता है आपका। तो हमेशा हर केस में आपका जो है डी जो है क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम बोल देंगे तीनों, पहले की भी जरूरत पड़ी, दूसरे की भी जरूरत पड़ी और तीसरे की भी जरूरत पड़ी, किसी हम एक से के बल पे इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तीनों के स्टेटमेंट के कंक्लूड करके हम यहाँ पे आंसर निकाल पा रहे हैं। इसलिए हमें क्या होगा आंसर कि सभी 1, 2 और 3 जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 86 डायग्राम का क्वेश्चन है, आसान सा ये हो गया होगा आप लोगों से, 87 भी। नेक्स्ट आते हैं 88 पे, क्वेश्चन नंबर 88 ऑड वन आउट था, पहला ऑप्शन है 794, नेक्स्ट है बी 576, सी है 668 और डी है 992। आप दो तरीके से कर सकते हैं, इनका सम ले लो, ये सम 20 दे रहा है, ये 18 दे रहा है, ये 20 दे रहा है, ये भी 20 दे रहा है, मतलब सबका सम 20 है डिजिट का, मगर इसका है तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। या एक बेसिस और है इसके करने का कि 576 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई नहीं है, तो ये भी ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट 89 आसान सा है आपका, सिंप्लीफिकेशन वो हो गया होगा, और
आपका 90 भी हो गया होगा। डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपके पूरे 90 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए जो मेन मेन थे आपके टेस्ट 03 के, ठीक है। धन्यवाद।